हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊंगी मखाने की बर्फ़ी। मखाने की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम मखाने ले लिए हैं। अब मैं एक मिक्सी का जार लूंगी, उसमें इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिएगा, मखाने को हमें इस तरह से पीसना है मिक्सी के जार में। और अब मैं ले लूँगी एक नॉन स्टिकी पैन। पैन मैंने ले लिया है, अब मैं गैस को ऑन करूँगी। गैस को ऑन कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें 2 ग्लास मिल्क डालूँगी। ये देखिएगा, एक ग्लास दूध और लूँगी, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। दूध मैंने इस पैन में ले लिया है, अब मैं इसका उबाल आने तक वेट करूंगी। ये देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। अभी मैं इसको गाढ़ा होने तक 10 मिनट तक पकाऊंगी अच्छे से। ये देखिएगा, 10 मिनट दूध को हो गए हैं, अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें ग्राइंड किया हुआ मखाना अपना ऐड करूंगी। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी, जो मैंने 125 ग्राम लिया हुआ है। शुगर मैंने इसमें डाल लिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर डालूंगी। ये इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। अब इसको मिक्स कर लूँगी मैं। ये देखिए, हमारे मखाने का मिश्रण बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में डाल लूँगी। ये देखिएगा, मैंने एक बर्तन ले लिया है। मिश्रण को डालने से पहले इसे किसी भी ऑयल या घी से इसको ग्रीस कर लेंगे, फिर इसमें मिश्रण को डालेंगे। उधर मैंने मखाने के मिश्रण को उतार लिया है और गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं इस बर्तन में इसको डाल लूँगी। ये देखिएगा, मैंने इसको इस तरह से बर्तन में ले लिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी सेट होने के लिए। फिर मैं इसके किसी भी शेप में, चौकोर शेप में या डायमंड शेप में इसको कट कर लूँगी। ये देखिएगा, ये सेट हो चुका है अब अच्छे तरह से। अब हम इसको किसी भी शेप में कट कर लेंगे। ये देखिएगा, मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है। अब हमारी बढ़िया सी, एक बढ़िया सी मखाने की बर्फी बन के तैयार है। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, ये बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।